नए खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। मोराबादी मैदान में आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन का रविवार को 90वें दिन भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों से सरकार के प्रतिनिधि बनकर सूबे के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुलाकात की थी। सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों को उनसे मिलकर जाना। उन्होंने सभी आंदोलनकारियों से कोविड काल में इस तरह भीड़ लगाकर आंदोलन न करने को लेकर आगाह भी किया था। वहीं रविवार 20 सितंबर को मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर सहायक पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ तकरीबन 2 घंटे की वार्ता हुई। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन को गैर कानूनी और अवैध बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में इस तरह से इकट्ठे होना पूरे राज्य के लिए खतरे की घंटी है, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। ये जो सहायक पुलिसकर्मियों का जो ये आंदोलन चल रहा है, ये पूरी तरह से अवैध है, गैर कानूनी है। आज कोरोना काल में इस तरह से इन लोगों का इकट्ठा होना आज एक राज्य के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। सबसे पहले मैंने इनको ये समझाया है कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उसका आप लोग सरासर उसको आप लोग तोड़ रहे हैं, और आप लोग वर्दी में रहकर आंदोलन कर रहे हैं, ये भी पूरी तरह से गलत है। और सारी चीज़ों को इन्होंने समझा है। हम एक मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें यही आश्वासन हमने दिया है कि ये सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ है, आपकी भावनाओं को समझती है और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि आज माननीय मुख्यमंत्री का ये निर्देश प्राप्त हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जो कमेटी बाकी अनुबंध कर्मियों के लिए गठित की गई है, उस कमेटी में इनको भी शामिल कर लिया जाएगा और उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इनको जो भी सुविधाएं होगी वो सरकार हर स्तर पर देगी। और कल जो 3 बातें, जो मानदेय वृद्धि की बात थी और इनका जो पॉइंट बढ़ाने की बात थी, इनके सेवा विस्तार की बात थी, इन 3 बातों पर सरकार पूरी तरह से कायम है। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि इनके लिए कि ये इनका सेवा समाप्त हो गया था, 3 साल के अनुबंध पर थे ये और 3 साल तक ही इनकी सेवा थी, इसके बाद इनकी सेवा समाप्त हो गई थी। आज इनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि इन्हें अनुबंध कर्मियों की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है और विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी में इन्हें भी शामिल किया जाएगा और इनके साथ न्याय होगा। इनका जो कृत्य है ये पूरी तरह से गैर कानूनी ये काम कर रहे हैं। हाँ, ये झारखंडी युवा हैं और इनके साथ अभी तक सरकार नरमी से पेश आ रही है। अगर इसी तरह का इनका क्रियाकलाप रहा तो सरकार को सख्ती अख्तियार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। जो भुगतान किया जाता है वो 18,000 रुपया, जो एक सम्मानजनक वेतन है वो हमारी थी, तो जवाब में हमको 13,000 रुपया फिक्स किया गया कि आपको 13,000 रुपया दिया जाएगा, वेटेज जो है वो आपको दिया जाएगा। वो अभी खुलकर बात नहीं आया कि आपको एग्ज़ाम में कितना वेटेज दिया जाएगा। उम्र पे बात बनी तो उम्र पे उनका कहना है कि उम्र का बात आपका सही है कि जो एग्ज़ाम होगा सबको ये अपना जो उम्र सीमा होता है, जो न्यूनतम 25 वर्ष जनरल का, SC ST 28 साल, सबको उस उम्र सीमा को लांग गए हैं। तो जहाँ तक बात उम्र की है वहाँ तक बात सही है, लेकिन वेतन मान का जहाँ बात है, वेतन जो है वो 13,000 है, जहाँ तक कि हमको नहीं लगता कि 13,000 में सभी लोग खुश हैं। हमारा न्यूनतम वेतन जो है वो 18,000 कम से कम किया जाए ताकि हम अपने घर परिवार को देख सकें, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा सकते हैं, खुद का खर्च वहन कर सकें। और जैसे अनुबंध का बात है, अनुबंध विस्तारित करने का बात है, तो उस पर भी एक खुलकर बात किया जाए कि कितना साल आपका एक्सटेंशन बढ़ाया जाए। 2 साल के बाद अगर 2 साल हमारा एक्सटेंशन बढ़ाया जाता है तो फिर 2 साल बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे कि 2 साल के बाद हम किस रूप में रहेंगे, कुछ काम करने लायक नहीं रह पाएंगे हम 2 साल के। ये जहाँ तक बात है जो वो अनुबंध कर्मी के श्रेणी में हमको लाया गया,
इस बात के लिए हम लोग आज नहीं यहाँ आंदोलन करने आए हैं, उस समय से नहीं, वो जो बात है हम लोग पहले से ही जानते थे, जो 9 लाख समथिंग लोग हैं जिसमें कि गृह विभाग से सिर्फ होमगार्ड को शामिल किया गया था, बाकी पारा शिक्षक जो पारा मेडिकल के लोग हैं और जल सैया लोग, ढेर सारे लोग जो अनुबंध पे हैं, लेकिन उससे 2500 सहायक पुलिस को बाहर रखा गया था। हम लोग ट्वीट के माध्यम से और सीनियर पदाधिकारी के माध्यम से भी मुख्यमंत्री महोदय को अपनी बात रखी गई थी पहले, जब यहाँ नहीं आए थे, जो 5 सदस्यीय टीम का गठन हुआ था जिसमें कितने सचिव लोगों थे, हम लोग का बात वहाँ मिलने तक भी गया था। हम लोग ट्वीट के माध्यम से भी कहना चाहते थे, कह भी थे ट्वीट के माध्यम से कि सर अनुबंध कर्मी का जो श्रेणी है जिसमें 9 लाख समथिंग और लोग जो हैं, उसमें 2500 सहायक पुलिस भी आता है जो गृह विभाग से, जिसका आपदा प्रबंधन गृह विभाग से जिसका नियुक्ति हुआ है, लेकिन उनको वो 2500 सहायक पुलिस को वो 9 लाख में ऐड नहीं किया गया था। लेकिन आज हमको उस चीज़ का हवाला दिया गया जा रहा है कि आपको 2500 सहायक पुलिस को वो श्रेणी में जोड़ा गया, अनुबंध कर्मियों के श्रेणी में, वो जब वो सब कुछ होगा तो सबके साथ होगा, तो उसे अलग हम तो नहीं हैं अनुबंध कर्मी में। वो तो काम जो हुआ वो पीछे से काम हुआ ना, वो कोई नया खबर नहीं है हमारे लिए, वो कोई नया खबर नहीं है, उसमें हमको छोड़ दिया गया था, लेकिन आज उसको जोड़ा गया, वो कब, जब हम लोग यहाँ आंदोलन करने आए तब सरकार की आंखें, अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।